यो एवरीवन, दिस इज़ इरफान एंड वेलकम टू माई कंट्री मैराड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मैराड के एक और व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑटोबेस्ट इंपीरियो पे हम आपके लिए सिंगल सिंगल गाड़ियों का शूट करें ताकि आपको बता सकें कि कितनी लोडेड गाड़ी इनके पास खड़ी होती हैं। तो आज जिस गाड़ी का हमारा शूट है वो गाड़ी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो गाड़ी बहुत डिमांड में रहती है और वो गाड़ी है जी ऑडी की Q7 क्वाट्रो। और ये बिल्कुल टॉप एंड गाड़ी है, इससे ऊपर मॉडल नहीं आता। तो इस गाड़ी की पूरी डिटेल एक्सप्लोर करेंगे संजीव भाई के साथ और जानेंगे इस गाड़ी में क्या क्या मिल जाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये लाल कलर का बटन दबा के। और अगर मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का जो स्पेशल शाउट आउट है, आज का स्पेशल शाउट आउट जाता है उस सब्सक्राइबर को जिसने हमारी वीडियो में बहुत अच्छा कमेंट किया। तो द स्पेशल शाउट आउट गोज़ टू शिवम वर्मा। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाते हैं ये गाड़ी किस कंडीशन में यहाँ पे खड़ी है और इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अब आपका स्वागत है और आपका भाई अब डेली भाई ऑटोबेस्ट इंपीरियो पे आपके एक सीरीज़ बना रहे हैं गाड़ियों की। तो आज की जो गाड़ी है वो बहुत स्पेशल है संजीव भाई। सबसे पहले आपका वेलकम है, वेलकम टू माई कंट्री मैराड। थैंक यू। और भैया संजीव भाई हमारी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं गाड़ी की डिटेल बताने में। तो अब ये जो है ये Q7 है गाड़ी, अब इसके बारे में बताओ ये गाड़ी कितनी लोडेड है वैसे, क्या कहते हो? टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, टेक्नोलॉजी पैक। ओके जी, इससे ऊपर नहीं आती? नहीं, इससे ऊपर Q7 नहीं है। ये डीजल गाड़ी है जी। अब भाई इसकी सबसे पहले इसकी देखो प्रोफाइल, क्या कहते हो कितने इंच अलॉय हैं जी इसके? 19 इंच के अलॉय। इससे ऊपर Q7 नहीं आती? नहीं, टेक्नोलॉजी पैक इनका टॉप एंड वेरिएंट होता है। अब इससे ऊपर नहीं आती तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 19 में भी हम खरीदने जाएंगे तो यही शेप मिलने वाली है हमें? बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन ये क्या मॉडल है? ये 16 का मॉडल है, सन 2016 मॉडल है। यही तो ऑटोबेस्ट इंपीरियो की खास बात है, 16 मॉडल गाड़ी भी ऐसी लगती है कि भैया 19 मॉडल ही गाड़ी है, क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। आगे से गाड़ी की प्रोफाइल देखिए, अब आ जाओ पीछे से दिखाता हूँ पीछे से किस शेप में गाड़ी खड़ी है। इसके अंदर इनकी लाइटों में भी कुछ खास होता है, क्या कहते हो आप? देखो पीछे की लाइट, अब ये देखो, अब ये है जी इसकी पीछे की लाइट Q7। ओए होए, जला दी। अगर आप दोबारा देखेंगे तो ये LEDs जी जी, पूरी कंप्लीट LED हेडलैम्प्स, कंप्लीट LED टेल लैम्प्स। वेरी गुड जी, वेरी ज़बरदस्त है। अब फिर वही बात, इन गाड़ियों में भी आफ्टर मार्केट क्या ही होगा, करवा के बेकार ही करना है। अंदर से कितना मजा, क्या कहते हो? है बहुत मज़ेदार, फुल लग्जरी, फुल लग्जरी। SUV कैटेगरी में जी गाड़ी है, बैठे हुए अंदर, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है कि इनको बाहर से देखने में ज़्यादा मज़ा तो आता है लेकिन असली मज़ा तो फिर अंदर ही है। अंदर से भी आता है। तो फिर आ जाओ अंदर, आ जाओ बिना किसी तरीके। चाबी आ गई, ओए होए, चाबी देखो फिर इसकी, देखो यूनिक है जी इसकी चाबी है। अब ये लेटेस्ट है इसलिए 19 में जाएंगे तो यही चाबी मिलनी है ना भैया, यही चाबी मिलेगी। ये देखो, देख रहे हो, ज़बरदस्त। आ जाओ जी अंदर, आ जाओ, आ जाओ। ओके जी संजीव भाई, अब आ गए हैं जी इस ऑडी के अंदर जी। चार छल्ले लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है जी? बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कहते हैं जिसने चार छल्ले ले लिए उसने सब कुछ ले लिया। अब ये सनरूफ कैसे खुलेगा जी? सनरूफ स्टार्ट का बटन दबाइए पहले आप एक बार। अच्छा, एक बार दबा दी। ओए होए 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 होए, वर्चुअल कॉकपिट पूरी, जबरदस्त, ये तो मैजिक हो गया जी। है तभी तो आपको बोला था बटन दबाइए पहले। यार ये देखो कितना सही बताया संजीव भाई ने, ये देख रहे हो, ये तो जादुई करिश्मा था जी, है मैजिक हो गया। पहले ऑडी की यहाँ से निकल, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। नई सीरीज जो अभी Q7 की आ रही है उसमें यहाँ से इसे दोबारा निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बंद कर दीजिए गाड़ी तो। ये देखिए, अब ये देखिए मैजिक देखिए, दोबारा दबाऊं से? ये देखिए, वाह, मतलब आप बता नहीं सकते कि वहाँ पे स्क्रीन है, सीरियसली है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक पैसे का भी आइडिया नहीं होता कि वहाँ पे कुछ स्क्रीन जैसी चीज है। अब ये भी कुछ यूनिक है जी, ये भी कुछ नॉर्मल मीटर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके अंदर नेविगेशन भी आती है जिसे ऑडी वर्चुअल कॉकपिट कहते हैं, नेविगेशन पूरी आ जाएगी इस पर। अब ये देखो मिस्टर व्यास आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, अब ये देखिए ज़बरदस्त है जी, गाड़ी की पिक्चर भी, अब ये डोर खुला हुआ सब कुछ पता लग रहा है। अब इसके अंदर हमें कैसे पता लगेगा कितनी टॉप स्पीड कितनी है इसकी, ये देखिए अब। हाँ अब ये देखिए अब इसके अंदर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 300 है। अब क्या कहते हो ये भी फिर 260 है? आराम से ऊपर जाएगी, पानी है, ये भी एयरमेटिक सस्पेंशन के साथ है, मतलब झटके वटके नहीं लगने वाले। बंद कर दीजिए हमने गाड़ी क्योंकि नॉइस करती है शोरूम में। अब ये आ जाओ जी, ये देखो, अब गियर देखो इसका, गियर लीवर अलग है जी, बिल्कुल ये बिल्कुल वाला फील देता है संजीव भाई कि हम किसी जेट में बैठे हैं, जहाज चला रहे हैं और अपना ऐसे करना है, एरोप्लेन चला, आगे कर लिया, बिल्कुल स्टीयरिंग पकड़ लिया, इसको पीछे करा और अपना डिजाइन बनाया, बिल्कुल सेम है ना, क्योंकि मैंने देखा है प्लेन में भी जो
करते हैं आगे वो कुछ ऐसी शेप होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर हमें क्या क्या मोड मिल जाते होंगे वैसे? ड्राइव मोड्स में, मतलब स्पोर्ट्स मोड है इसके अंदर, कोई कंफर्ट मोड है और नॉर्मल कंफर्ट मोड आता है इसमें। अब इधर जरा पास में आएंगे तो इलेक्ट्रिक ब्रेक मिलती है। सही बात। और ये क्या संजीव भाई? ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन, अगर आपने ऑफ करना हो। हाँ जी। वरना जैसे आप देखेंगे कि पोल्यूशन कम करने के लिए और फ्यूल माइलेज अच्छी निकालने के लिए, हाँ जी, अगर ये फंक्शन ऑन होगा तो आपकी गाड़ी जब भी रेड लाइट पे खड़ी होगी, हाँ जी हाँ जी, आप ब्रेक दबाओगे तो थोड़ी देर के लिए, हाँ, तो वो गाड़ी ऑफ हो जाएगी, इंजन ऑफ हो जाएगा, एसी चलता रहेगा, म्यूजिक सिस्टम चलता रहेगा, फ्यूल बचेगा, तो उससे पोल्यूशन भी निकल, जैसे आप ब्रेक छोड़ोगे वापस गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये टच पैड है जी, ये देखिए कितना क्यूट है जी टच पैड, ये देखो इनका टच पैड है, यहीं से सारी पूरी स्क्रीन आप सब कुछ यहीं से, मेन्यू आगे पीछे भी होगी, इधर से कर सकते हैं आप, इससे कर लीजिए। अच्छा ये है, ये देखो ये, ओए होए वाह, ये तो जी जादुई करिश्मा है जी इस गाड़ी के अंदर, वाकई मतलब हर चीज है जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई भी चीज मिसिंग नहीं होने वाली। ना ना ना, मसाल गाड़ी टॉप एंड वेरिएंट कैसे मिसिंग होगा, कुछ नहीं हो सकता ना मिसिंग। अब ये देखो फिर वही अपना इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, मेमोरी सीट्स, सब कुछ है जी। म्यूजिक सिस्टम भी बोस का है इसमें, ये बोस वाली है, बोस का ऑडी बोस ही लगाती है क्या? ऑडी बोस क्रिएट करती है, फिर बोस के जलवे, फिर बोस वाली है, अब देखो फिर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स के जो मजे फिर वो अलग ही है। तो जी जबरदस्त है गाड़ी, अब मजा आ रहा है, लेकिन फिर वही बात है ना कि मतलब कितने स्पेस वाली गाड़ी है, क्या कहते हो? बहुत स्पेशियस है सर, देखो है? आप खुद देखो, 5 सीटर गाड़ी है ये, 7 सीटर गाड़ी है। 7 सीटर कैसे हुई है ये? दो रोज आपको दिख रही है, हाँ पीछे लास्ट रो फोल्ड हुई है। अच्छा वो फोल्ड है, ओके, तो 7 बंदे कंफर्टेबली लद्दाख जाएंगे इसमें आराम से, और कोई दिक्कत, झटके वटके तो बिल्कुल नहीं लग रहे। संजय भाई क्या बोलते हो, गाड़ी कहीं अटकेगी? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे अटकेगी, नहीं अटक सकती, अगर कीचड़ वीचड़ में फंस गई तो निकल जाएगी। हाँ हाँ आराम से है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई पुलिंग वुलिंग नहीं, व्हील ड्राइव है इसके अंदर, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और कैसे कितनी भी पहाड़ों पे ले जाओ इसे, कहीं पे भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसी गाड़ी है कि आप प्लेन रोड पे चला लो या ऑफ रोडिंग कर लो इससे, बिल्कुल बिल्कुल, जो मर्जी कर लो, करेगी ये सबके लिए तैयार है। अब ये जो है ये एसी का जो दे रखा है, ये पूरा एसी का ही है क्या, ये अलग है? ये नया डिजाइन है इसमें Q7 का, ये एसी वेंट्स हैं, ये सारे एसी वेंट्स हैं। जी 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 यार, इतने बड़े तो एसी वेंट्स मैंने कभी देखे ही नहीं। प्रॉपर फास्टर कूलिंग होगी ना, अब ये भी देखो जमा देगा, गर्मी आ गई है, जमाना बनता है फिर, क्या बिल्कुल, कहते हो बिल्कुल, हमारे यहाँ दिल्ली में वैसे ही बहुत गर्मी होती है। तो भैया जबरदस्त गाड़ी है, सारे कंट्रोल मिले, सारे पैसे हैं जी, 4 छल्ले के 4 छल्ले लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज दिलवा के रहेंगे और वो दिलवाएंगे ब्रांड न्यू, लेकिन उससे पहले बैठेंगे पीछे और दिखाएंगे कितना कम्फर्ट है पीछे दे रही है। बैठे पीछे, आओ जी पीछे आ जाओ। ओके दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पीछे, तो पीछे का स्पेस भी है बिल्कुल लोडेड, 7 सीटर गाड़ी है जी, पीछे सीट्स इसकी फोल्ड है, तो 7 बंदे कंफर्टेबली बैठेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैंने आपको बाहर भी की दिखाई थी, आप दोबारा से इसकी की देख सकते हैं, ये है जी इसकी की, लेटेस्ट है जी ये बिल्कुल, कि मतलब अब यही आ रही है जनरेशन की, अब यही आ रही है, लेटेस्ट गाड़ी है बिल्कुल, बैड न्यू है, और पीछे से स्पेस दे रही है बहुत ही कंफर्टेबल, लेकिन ऊपर देखो आप कितना स्पेस है, सही बात है, आराम से बैठे हूँ, स्ट्रेच फ्रेस्ट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके बैठ गए, अगर चेंजिंग भी करनी हो तो चेंजिंग भी हो जाएगी इसमें, तो चेंजिंग मतलब कपड़े अगर चेंज करने हो तो जी 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 कभी कभी इमरजेंसी में हो जाता है ना, हाँ आराम से कर सकते हो। अब ये देखो, अब इसे खोल देंगे फिर, ये जी अपना हो गया, ये है जी मेन मुद्दा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जी, यहाँ बनते हैं जी 2 पैग, वो भी पानी वाले, अपना लाओ ग्लास और शुरू हो जाओ। स्पेस बड़ी है जी गाड़ी की, है चाहे 5 सीटर की तरह यूज करो, 7 सीटर पीछे, क्या कहते हो मेरी हाइट जैसा वाला बंदा पीछे बैठ जाएगा आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दोनों बैठ जाएंगे, दोनों बैठ जाएंगे। भैया ये है इसकी स्पेस की बात, और पीछे अपनी वही क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, पीछे भी अपना 4 जोन है, 4 जोन है, अपने हिसाब से करो बिल्कुल। Q7 का भी एक अपना मार्केट है जी, है हॉट सेलिंग है, मतलब लोग कहते हैं कि Q7 होनी चाहिए लाइफ में, बिल्कुल बिल्कुल, ऑडी के 4 छल्ले होने चाहिए वो भी SUV वाले, Q7 R8 ऑडी के सुपर हिट मॉडल है ना भैया। हम करते हैं Q7 बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्सप्लोर, लेकिन आज हमने जो एक्सप्लोर कर रहे हैं ये वो है जो इससे ऊपर शेप नहीं आती, ये जी टॉप एंड है, ये टॉप एंड गाड़ी है, और मॉडल भी ऐसा है क्वाट्रो में जो बिल्कुल टॉप एंड है, बिल्कुल बिल्कुल टेक्नोलॉजी पैक। अब ये देखो, अब इसके अंदर फिर वो ये है, थोड़ी मसाजिंग की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये देखो अब कम्फर्टेबल है, अब मैं आराम से पीछे, मतलब काफ़ी चला जाता है कि बैक में भी नीचे करो ना, फिर आप बैठोगे तो आप बिल्कुल आराम से बैठोगे। ये देखो अपना चिलिंग हो रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी वर्मी आ गई है। अब बात करते हैं जी, वैसे लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑडी ब्रांड खरीदना तो चाहते हैं, बट वो थोड़े से उनके मन में ये क्वेश्चन होते हैं कि मेंटेनेंस कितना मांग जाएगी गाड़ी,
अब ऐसी गाड़ी क्या मेंटेनेंस लेती होगी, क्या कहते हो? अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये मर्सिडीज की GLS से कंपेयर करोगे, ठीक है जी, 7 सीटर गाड़ी है, हाँ जी, तो दोनों की मेंटेनेंस की अगर बात करोगे कोई खास फर्क नहीं, 4-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे का फर्क आता है। बट फिर भी एक अप्रोक्स बता सकते हो कि क्या फिगर होती होगी? 50-55 हज़ार रुपये की सर्विस होगी कंपनी में। जी जी, बाहर भी होती है लेकिन सर्विसेज बाहर होती हैं, लेकिन जब गाड़ी कोई वारंटी में हो जब तक नहीं करानी चाहिए, क्योंकि वरना आपकी वारंटी लैप्स हो जाती है। लैप्स हो जाती है, तो बाहर भी हो जाती है, बाहर तो बहुत कम प्राइसिंग में हो जाती है। अच्छा जी, लेकिन ये है कि इन गाड़ियों को मेंटेन रख के चलना पड़ता है, तभी ये आगे तक बढ़ती हैं, चलती हैं, बहुत बढ़िया चलती है ना लंबे। ये फिर वो ये 5 लाख टापेगी, आप तक जाओगे गाड़ी नहीं लगेगी। और अब एक बात बताओ, अब ये गाड़ी डीजल है जी, अब एवरेज फिर वही इंडियन मेंटालिटी, एवरेज कितनी अच्छी? ये 3 लीटर V6 डीजल है, आराम से 10 की एवरेज निकाल। पक्की बात है, सिटी की बात कर रहा हूं। लो जी, और लो, सोने पे सुहागा वाली बात है, यानी हाईवे पे अपने को 10+12-13-14 12-13 की आपको एवरेज मिलेगी भाई इसकी, और मजेदार गाड़ी है और ब्रांड न्यू है जी। और अब बात करते हैं, अब 19 में अगर हम मेरा भाई कोई जाता है इसे खरीदने तो कितने पैसे देके आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 90-95 लाख रुपए के आसपास। ओ यार, फिर वही बात, फिर करोड़ टच करने वाली बात है, लेकिन नहीं, इतने नहीं देने पैसे। अब बताओ जी कितने पैसे बचाने हैं, क्या कहते हो आप बताओ जी? व्यास क्या लगता है? तू बिंगो कर देगा मुझे पता है, क्या लगता है? 50 50 लाख कह रहे हैं? नहीं इस बार थोड़ा सा नीचे ले गए। अरे भैया इतना नीचे मत करो, ये नई गाड़ियां हैं। ये है 68 लाख 75 थाउजेंड। वो वही बात है ना, फिर आपको ये नहीं पता था कि ये गाड़ी कितनी मेंटेन है और कितना इससे ऊपर शेप नहीं आती। टॉप एंड वेरिएंट है। हाँ, टॉप एंड वेरिएंट है। तो भैया ये जो डील है ये है जी 68 लाख 75 थाउजेंड, नेगोशिएबल रिगार्ड करेंगे, करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। माई कंट्री माई राइड का रिगार्ड करना ही पड़ता है, क्योंकि आप ही के लिए तो हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात भाइयों के लिए गाड़ी ढूंढते हैं, और बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल करेंगे रिगार्ड भाई, बिल्कुल रिगार्ड करेंगे। तो शानदार गाड़ी है, और अगेन मैं आप थैंक यू करूँगा संजीव सूरी भाई का, जिन्होंने इतना टाइम निकाल के बिजी शेड्यूल से हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए आए। तो माई कंट्री माई राइड मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको पता है 24 तारीख को मैं आपको मिलूँगा ठीक 2 बजे द्वारका सिटी सेंटर, तो वहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। तो टिल द टाइम थैंक्स वॉचिंग माई कंट्री माई राइड, सी ऑफ, बाय बाय फ्रॉम ऑटो बेस्ट एम्पीरियो, और एक बार बाय जरूर कर दें। बाय जी, बाय बाय।